और इसी चुनावी सूबे पंजाब से ही अगली बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में बीजेपी और जो सहयोगी दल हैं, मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी और साथ ही सुखदेव सिंह ढींसा की पार्टी, उनके बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, बीजेपी पंजाब में 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 117 विधानसभा सीटें हैं पंजाब में, ऐसे में बीजेपी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पंजाब लोक कांग्रेस के खाते में 38 से 40 सीटें आ सकती हैं और वहीं सुखदेव सिंह ढींसा की शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के खाते में 10 से 12 सीटें जा सकती हैं। हम सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, कुल मिलाकर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय हो गया है पंजाब में, बीजेपी के लिए ये पेच सुलझ गया है? ये बिल्कुल रवाना कहा जा सकता है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी दलों के साथ जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो तय कर लिया है। अभी तक जो सूचना है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो पार्टी है पंजाब लोक कांग्रेस वो 38 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। ढींसा की जो पार्टी है शिरोमणि अकाली दल उसको वो भी 10 से 12 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और यही नहीं, डैंस ब्रदर्स की जो पार्टी लोक इंसाफ पार्टी उन्हें भी 2 से 5 सीटों के बीच में चुनाव लड़ाने की तैयारी है। ये गठबंधन का फॉर्मूला भी तय हुआ है और माना जा रहा है आज शाम तक इस जो सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है इसकी घोषणा भी ऑफिशियली हो सकती है। तो ये पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक कह सकते हैं कि पंजाब को लेकर जो उनका प्लान था उसको एग्जीक्यूट कर लिया है, अब केवल और केवल औपचारिकता बाकी रह गई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज पांडे इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। ABP News आपको रखे आगे।